हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आलू की मठरी बनाने की विधि बताऊंगी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। आप घर में आराम से बना सकते हो। यहाँ पर पहले हमने बाउल ले लिया है, सबसे पहले एक। अब उसमें हम एक कप मैदा डालेंगे। ये हमारा मैदा एक कप है, लेकिन ये तौल से 200 ग्राम है। अब इसको हम इसी में डाल देंगे। और दूसरी सामग्री हमारा है बेसन। बेसन हमने 50 ग्राम लिया है, इसको भी कप से आधा कप है, तौल में 50 ग्राम है, इसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे। अब हम इसमें सूजी डालेंगे। इतना याद रखना कि आपको बारीक वाली सूजी लेना है। अगर आपकी सूजी मोटी है तो आप मिक्सी जार में उसको लेके थोड़ा सा चला सकते हो, इससे क्या है वो बारीक हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 लाल मिर्च ले लिया है, तो इसका हम दरदरा सा पाउडर बनाएंगे। तो इसको हमने थोड़ा सा नमक डाल के इसका हम लिट लगा देंगे। तो देखिए, दरदरा हमने पाउडर बना लिया है। अब इसको भी हम इसी में डाल देंगे। 2 चम्मच है, इसको भी हम इसी में डालेंगे। और नमक इसमें हम डाल दिए हैं, तो नमक हम ऊपर से नहीं डालेंगे, क्योंकि ये नमक हमको काफ़ी रहेगा। अब यहाँ से पर हम 2 चम्मच इसमें ऑयल डाल रहे हैं मोहन के लिए, और चम्मच के हेल्प से इसको हम मिला देंगे। अब इसका हम मुट्ठी बांध के देखेंगे। अगर मुट्ठी बन रहा है, बेसन और मैदा समेट रहा है, समझ लीजिए कि ये परफेक्ट तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हमने उबला आलू लिया है। उबाल के आलू हमको ठंडा करके इसमें ऐड करना है। गर्म आलू बिल्कुल नहीं ऐड करना है, नहीं तो हमारी मठरी खराब हो जाएगी। ये कद्दूकस करने वाला लिया है, अब इसी से हम कद्दूकस कर लेंगे इसको, बड़ा वाले ग्रेटर से। तो इसी प्रकार से हमको चाहिए, तो हम ऐसे बना लेंगे। 1 कप हमको इसमें ऐड करना है, तो हम ऐसे नहीं डालेंगे अंदाज से, नहीं ज़्यादा कम हो सकता है। हम इसको नाप के डालेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कप पूरा ले लिया है। अब इसको हम इसी में ऐड करेंगे, और इसमें हम पानी नहीं ऐड करेंगे, हम इसी से पेस्ट को तैयार करेंगे मिला के। अब इसमें हम मैगी मसाला ऐड करेंगे, इसको भी डालेंगे। यहाँ पर हमने 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच जीरा लिया है, थोड़ा सा मैंने इसमें 1/2 चम्मच अजवाइन डाला है, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अब इसको सबको हम अच्छे से मिला देंगे और एक डो तैयार कर लेंगे। एकदम बढ़िया सा टाइट डो हमको चाहिए, ज़्यादा गीला नहीं चाहिए। तो हमारा डो बन के तैयार हो गया है। अब इससे हम मठरी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम एक होर्सा लेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा आटा लेके और छोटी छोटी हम लोई बना के इसका मठरी बेल के तैयार करेंगे। इसी प्रकार से हम सब बेल के तैयार कर लेंगे। छोटे छोटे हमको पतले पतले बनाना है। तो इसी प्रकार से हम सब बेल के तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हो, मैंने एक बना लिया है, अब दूसरा बेलूंगी। अब इसको हम बड़ा भी बेल के बना सकते हैं, जैसे हमने बहुत सारा बड़ा से ले लिया है पेस्ट को। अब इसको हम बड़ा सा बेलेंगे और इसको हम काट लेंगे, या कटोरी हो छोटी या गिलास से हम इसका गोल टाइप में काटेंगे। तो मैंने एक गिलास ले लिया है, अब इसको हम गोल गोल काट लेंगे इसी प्रकार से। अब इसका एक्स्ट्रा आटा जो है उसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए, हमारा बेल के तैयार हो गया है। अब इसको हम एक फोंक वाला चम्मच लेके इसको हम गोद लेंगे, ताकि ये हमारी मठरी फूले नहीं, नहीं तो ये फूल के पूड़ी बन जाएगी। तो हमको इस प्रकार से इसमें होल कर लेना है दोनों साइड से।
तो हमने पूरा होल करके रख दिया साइड में। अब यहाँ पर हम गैस को ऑन कर दिए हैं, इसमें कढ़ाही रख दिए हैं। कढ़ाही हमारी अच्छे से गर्म हो गई है। अब इसमें हम तेल डालेंगे, तो यहाँ पर मैं रिफाइंड तेल यूज कर रही हूँ। आप जो तेल पसंद करते हो उससे भी बना सकते हो। अब तेल हमारा गर्म हो गया है, तो हम इसमें एक एक करके पूड़ी को डाल देंगे। अब देखिए हमारा हो गया एक साइड अच्छे से ब्राउन, तो हम इसको पलट देंगे दूसरे साइड पकने के लिए। तो दूसरे साइड भी हमारा अच्छे से पक गया है गोल्डन ब्राउन। अब इसको हम निकाल लेंगे एक छन्नी के हेल्प से। एक्स्ट्रा तेल इसका हम निकाल देंगे, टिश्यू पेपर लगा के इसको हम रख देंगे, जो एक्स्ट्रा तेल होगा निकल जाएगा। तो हमारी मठरी बनके तैयार हो गई। इसको आप चाय के साथ ले सकते हो, या हल्की भूख लगी हो तो भी खा सकते हो। खाने में बहुत ही टेस्टी रहती है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली परिवार दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।